1965 में चोर गैंग का सदस्य रोनाल्ड बिक्स अपने तीन अन्य कैदियों के साथ ब्रिटेन जेल की 30 फीट ऊंची दीवार फांदकर फरार हो गया था। इस चोर गैंग ने 1963 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच चलने वाली पोस्ट ऑफिस ट्रेन में डकैती की थी। 125 साल से चल रही इस ट्रेन को अचानक एक स्टेशन पर लाल बत्ती दिखाकर रोका गया और लुटेरे 20 लाख पाउंड लेकर फरार हो गए। ये ब्रिटेन में किसी ट्रेन में होने वाली अब तक की सबसे बड़ी डकैती मानी जाती है। 1972 में आज ही के दिन भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली का जन्म हुआ था। बंगाल में जन्मे इस क्रिकेटर को उनके भाई स्नेहाशीष गांगुली ने क्रिकेट जगत से रूबरू कराया। इन्होंने अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत स्कूल और राज्य स्तरीय क्रिकेट टीम से की थी। कई क्षेत्रीय टूर्नामेंटों जैसे रणजी ट्रॉफी, दलीप ट्रॉफी आदि में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद गांगुली को राष्ट्रीय टीम में इंग्लैंड के खिलाफ खेलने का अवसर हासिल हुआ। बाएं हाथ के बल्लेबाज गांगुली सफल एक दिवसीय खिलाड़ी के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने एक दिवसीय मैच में 11,000 से ज्यादा रन बनाए हैं। ये भारत के सबसे सफल टेस्ट कप्तानों में से एक हैं, जिन्होंने अपनी कप्तानी में टीम को 49 में से 21 मैचों में सफलता दिलाई। वर्तमान में ये एक दिवसीय मैच में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ियों में पांचवें स्थान पर हैं। 2003 में आज ही के दिन ईरान की दो जुड़वा बहनों लाले और लादेन बाजनी को ऑपरेशन के जरिए अलग किया गया था। इन दोनों बहनों का सिर जन्म से ही जुड़ा हुआ था। 29 वर्ष की उम्र में जब इन्हें अलग करने के लिए ऑपरेशन किया गया तो यह ऑपरेशन सफल नहीं हो पाया और उनकी मौत हो गई। ऑपरेशन 3 दिन तक चला। डॉक्टरों ने करीब 21 घंटे लगाकर दोनों बहनों के सिर को 1-1 मिलीमीटर काटा, लेकिन जैसे ही इन दोनों बहनों के दिमाग को अलग करने की कोशिश की गई, उनके शरीर से भारी मात्रा में खून रिसने लगा। आखिरकार दोनों बहनें अलग तो हो गईं, लेकिन 1 घंटे बाद ही लादेन का रक्तचाप घटने लगा। 28 डॉक्टरों और 100 मेडिकल सहयोगियों की कोशिशों के बाद भी लादेन को नहीं बचाया जा सका। फिर लाले का भी रक्तचाप घटने लगा और 1.5 घंटे बाद उसकी मौत हो गई। बिजानी बहनें कानून की पढ़ाई में स्नातक डिग्री हासिल कर चुकी थीं और पूरे ईरान में अपनी हिम्मत और जज्बे के लिए जानी जाती थीं। और 2007 में आज ही के दिन भारत के 8वें प्रधानमंत्री चंद्रशेखर का निधन हुआ था। चंद्रशेखर ने राजनीति में समाजवादी आंदोलन से जुड़कर कदम रखा और सबसे पहले बलिया जिले के प्रजा समाजवादी दल के सचिव बने। 1 वर्ष के बाद राज्य स्तर पर इस दल के संयुक्त सचिव भी बन गए। 1962 में चंद्रशेखर राष्ट्रीय राजनीति परिदृश्य पर तब दिखे जब उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के लिए चयनित हुए। 35 वर्ष की उम्र तक चंद्रशेखर ने वंचितों और दलितों के कल्याण की पैरवी करते हुए उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में अपनी प्रभावी पहचान बना ली थी। इन्होंने अपनी बात रखने के लिए यंग इंडिया नाम से एक साप्ताहिक समाचार पत्र का संपादन किया। 1955 में योग सांसद का पहला पुरस्कार चंद्रशेखर ने अपने नाम किया था।